हाँ, अब हम सबको जमा कर रहे हैं और जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट हैं उनके बारे में बताती चलूं। इनके बच्चे ने ना वक्त से पहले बोलना शुरू कर दिया, उसकी रीजन क्या है, अम्मा माशाल्लाह पटाखों हैं, गपूड़ी हैं, सो जब अम्मा और अब्बा बातें करते हैं, घर में बातें करने वाले लोग होते हैं, तो बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं। सो मैं तो हैरान कि जब ये छोटे से थे तो ये इशारों में बात करते थे और अब प्रॉपर गुफ्तगू करते हैं। मैं इनके यूट्यूब चैनल पर बाकायदा फॉलो करी होती हूँ कि अब ये कितने बड़े हो गए, अब ये कितने बड़े हो गए। सो जी, आज के वीआईपी गेस्ट तो बच्चे हैं, लेकिन जिस गेस्ट को मैं अभी बुला रही हूँ, उनको आदत है आप लोगों को सुबह सुबह देखने की, और आज की सुबह उन्होंने हमारे नाम की है, वो भी अकेले नहीं, अपने छोटे से प्यारे से केयान के साथ। सो आइए वेलकम करते हैं बहुत ही प्यारी मेरी दोस्त, जिनके साथ मैं इस ईद पर ईद का मजा दुबाला करने वाली हूँ, नादिया खान अपने बेटे केयान के साथ, जिसको हम प्यार से कीनू कहते हैं। चलो ये जरा मेरा पकड़ो, मैं नादिया को और कीनू को लेकर आती हूँ। कीनू आ जाओ मेरी गोदी में, ईद मुबारक, आ जाओ आ जाओ, अम्मा के पीछे छुप गया, आराम से बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, चल जाओ खाला के पास जाओ। चल गया, फाइनली। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक एवरीवन। आप सबको ईद मुबारक यार, हम नादिया कैसी गुजर रही है आपकी ईद? माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी। हाँ बहुत प्यारी, इनकी तैयारियों के साथ। हाँ बहुत बहुत अच्छा लगता है, माशाल्लाह फैमिली बड़ी हो गई है। हाँ माशाल्लाह सब बहुत अच्छा लग रहा है। और कीनू कितने साल के हो गए? कीनू अभी 2.5 साल के हैं। हाँ ढाई साल का, लेकिन ये कि अपनी उम्र से बहुत ज्यादा काम कर रहा है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेल रहा है, अभी नहीं देखे ना यार, मतलब ये सो एथलेटिक और हर चीज, मतलब अब हॉकी भी शुरू कर दी है और हर गेम बहुत अच्छी तरह खेलता है, तो मुझे लगता है अपनी उम्र छुपा रहा जैसे ही है। कोई बच्चे यहाँ भागेंगे भी, इंजॉय भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, हम खेले कूदेंगे भी इनके साथ। ये बताओ कि इसको पता चला है कि ईद क्या है? अभी कुछ इसको अवेयरनेस हुई है ईद की? इसको लगता है, इसको कहते हैं डांस पार्टी, बस ये खुश हो जाता है। इसको लगता है ईद डांस पार्टी डांस पार्टी है, तो घर में क्या तुम लोग कुछ ऐसा करते हो? एक आध दफा हुआ, बल्कि एक से ज्यादा दफा हुआ, पता है फ्रेंड्स, तुम्हें तो पता ही है, फ्रेंड्स आके थोड़ा यू नो गर्ल्स डांस वांस थोड़ा सा हुआ, तो इसको बहुत मजा है, हर खाला ने उठा के इसके साथ ना डांस वांस किया, इसको अब इतना इंटरेस्टिंग लगता है, कहता है डांस पार्टी चाहिए। तो अभी इसको ईदी वीदी का कुछ नहीं पता कि ईदी मिलती है? ये रोज ईदी लेता है, पूरा साल ईदी लेता है, डेली ईदी लेता है, क्या बात कर रही हैं आप? हमारे ना पार्क में एक टक शॉप खुल गई है। अच्छा, वो उससे मतलब बुरी चीज नहीं हो सकती, तो ये डेली ईद लेता है। ओह माय गॉड, अच्छा साल की डिफरेंस बताओ जरा, जब अलीजे की ईद थी वो किस तरह की जो है चीजों से इंस्पायर होती थी, उसको क्या चीजें पसंद थी? जब तुम्हारे दूसरा वाले बेटे का नाम क्या है? आजान। आजान की वो इस एज का था कीनू की, सो क्या डिफरेंस है इन तीनों की पर्सनालिटीज में? आई थिंक ये सारी चीजें स्पेशल होती है, स्पेशली जिस ईद पे आप ट्रैवल करें, इस्लामाबाद जाते हैं। नहीं, अलीजे को क्या पसंद था ईद पर जब वो छोटी थी, कीनू की एज की? इस दफा ईद इसलिए भी स्पेशल है, अच्छा अलीजे इज फर्स्ट टाइम हियर फ्रॉम कनाडा, अभी वापस आई है पहली दफा ईद के लिए, छुट्टियां हैं उसकी, तो हमारे लिए इसलिए भी एक अलग बड़ी खुशी है ना कि ऐसा नहीं होता बस तेरे से बाद हम मिले। अलीजे फर्स्ट टाइम गए, बहुत डिप्रेस थे, फिर अभी 5 महीने बाद वो वापस आई ईद के लिए। जब वो छोटी थी, कमिंग बैक टू दैट ईद, जब मैं दुबई से ट्रैवल करती थी इस्लामाबाद, बड़ा मजा आता था। तो और बहुत ज्यादा ईदी मिलती थी, पाकिस्तान में रहो ना इतनी ईदी नहीं मिलती है, तैयार होती थी मीरब की तरह, टीका चीका शीका लगा के अलीजे तैयार होती थी मीरब की तरह। हाँ है, टीका नहीं लगाया, टीका मुझे नहीं लगाना आता। हाँ, माँ को लगाना आए तो बच्चे पहनेंगे ना, ये मैं वही करती हूँ जो मैं संभाल सकूँ। और अजान जो है वो रफ रफ थे या उनको कुर्ते खुद से? और बस उसने अब कुर्ते पहनने शुरू किए, पहले नहीं पहने, अभी इसके भी आए हुए थे, इसने नहीं पहने। सलवार कमीज के लिए ना एक अलग बुक चाहिए, एक यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।